वासुदेवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अगला सेम में। बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि टेंथ के बाद कौन से स्ट्रीम लें? तो कंफ्यूज या फिर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो क्या होता है ना कि लाइफ में कई बार हमें अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं, जो एक नया मोड देता है हमारे लाइफ को। ये डिसीजन भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके लिए एक नए रास्ते की तरफ आपका जो लाइफ है वो मोड़ ले रहा है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, आपको खुद से पूछना है कि आपका मन किस चीज में सबसे ज्यादा लगता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आप किसी भी वक्त करने को रेडी हो। बस उसी एक चीज को आपको स्ट्रीम्स के साथ टैली करना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि स्ट्रीम्स कौन सी स्ट्रीम्स आपके लिए बेस्ट होगी। डू रिसर्च ऑन स्ट्रीम्स, आपको हर एक स्ट्रीम्स पे रिसर्च करना जरूरी है। आप तीनों स्ट्रीम्स पे रिसर्च करो और उसके सारे प्रो एंड कॉन्स, जैसे कि तीनों स्ट्रीम्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से करियर ऑप्शन होता है, जैसे कि आप परस्यू करके आफ्टर 12th अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है। डोंट फॉलो द क्राउड, दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स जो स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम लोग जो स्ट्रीम्स चूज कर रहे हैं, हम वो स्ट्रीम्स ले लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वो आपके लिए भी बेस्ट हो। हर कोई डिफरेंट होता है, इसीलिए आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको खुद ही चूज करना है। इसीलिए क्राउड के साथ बिल्कुल भी मत चले। फॉलो योर इंटरेस्ट, हम वही काम सही तरीके से कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर आप कोई भी काम या फिर पढ़ाई खुद के मन से नहीं बल्कि फोर्सफुली करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी नहीं रहता। इसीलिए आपको जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उसी सब्जेक्ट्स को चुने ताकि आपको फ्यूचर में इस चीज का प्रॉब्लम ना हो कि आपका इंटरेस्ट ना रहे। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स आफ्टर 10। आप जो भी स्ट्रीम परस्यू करने का सोच रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं, तो आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स से डिस्कस जरूर करें, बिकॉज ओनली द पेरेंट्स एंड टीचर्स होते हैं जो कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम किस चीज में बेस्ट है। तो इनसे डिस्कस करके ही आप अपनी स्ट्रीम्स को चुनें। अब मैं आपको तीनों स्ट्रीम डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए डिसीजन लेने में। सबसे पहला ग्रुप होता है नॉन मेडिकल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ग्रुप। ये डिफरेंट करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिफेंस सर्विसेज और बीएससी कोर्सेज में किसी एक सब्जेक्ट में आप जो है कोर्सेज भी कर सकते हैं, या फिर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं अगर आप साइंस लेकर पढ़ाई करें तो। अगर हम बात करें मेडिकल स्टूडेंट्स की, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है, इसमें की साथ में अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट करियर ऑप्शन होता है, जैसे कि डॉक्टर, नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, जिसे आप चूज कर आप अपने लाइफ में आगे उसे परस्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या फिर सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर फाइन आर्ट्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स को लेकर पढ़ाई करते हैं तो जैसे कुछ करियर ऑप्शन जैसे कि लॉ, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे फेमस करियर ऑप्शन जो है आप चूज कर सकते हैं। कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जिसे आप परस्यू कर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA, कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS और कॉर्पोरेट लॉ के रूप में काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा और आपके लिए इजीर होगा स्ट्रीम डिसाइड करने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल अगला सेम।